हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अनुगुल ओरिसा से मैं हूँ ज्योत्सना, और आप सबको फिर से स्वागत है हमारी चैनल ज्योत्सना लाडली क्रिएशन की आज की वीडियो में। ये सब देख के फ्रेंड्स आप सबको लग रहा होगा कि आज क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे को स्टूडेंट आए हुए हैं। कल मेरी बर्थडे था और मैं अनुगुल की केदार गोरी ब्लाइंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पे गई थी वहाँ के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और लंच टाइम पे पूरा खाना मैंने अपने हाथों से बना के लेके गई थी वहाँ के बच्चों के लिए। ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। और आज का टाइम मैंने दिया है अपने स्टूडेंट्स को। आज का पूरा खाना मैंने घर पे ही बनाया है बहुत ही प्यार से अपने स्टूडेंट्स के लिए, और मैं अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे विस करने के लिए 300 से भी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आए हैं, और इसके लिए मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का और स्टूडेंट्स का, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप सभी ने मुझे अपना टाइम दिया अपनी गुड विशेस के साथ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बना दिया है। तो आइए इस पल को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे साथ एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, इनका नाम विशेष है और ये मेरे एक स्टूडेंट आयशा की बेटे हैं। आज इनका भी बर्थडे है तो हम दोनों ने मिलके केक कटिंग की है। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड महेंद्र कुमार साहू भी है जो नवरंगपुर की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स भी मुझे मिले हैं और वो एक एक करके मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ये मेरे आज के सबसे छोटे गेस्ट हैं। इनका नाम सिद्धार्थ है और ये मेरे स्टूडेंट पूनम की बेटे हैं। ये मेरे स्टूडेंट आयशा की बेटी प्रियल है जो कि बहुत ही क्यूट है और अपनी मम्मी को छोड़ने के बहाने से रोज मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स आज थोड़े मस्ती के मूड में हैं और ये आगे क्या क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ये हरे कृष्णा और बटे कृष्णा है जो मेरे स्टूडेंट सुभद्रा के दो बेटे हैं।
आइए देखते हैं मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना स्टूडेंट्स को कैसा लगा। सच में अच्छा लगा कि ऐसे ही बोल रहे हो भाई बच्चा पाटा तुम प्लेट कुआड़े गला सोना एक बार अपना प्लेट तो ले आओ भाई। दोबारा खाकर मुझे खाना बहुत अच्छा लगा मैम। थोड़ा जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं। हर बार से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर बार से मुझे हर एक बार से आज बहुत अच्छा लग रहा है। सोनिया जी सलाड बनाई चंदी। थैंक यू सो मच सोनी। प्रभाती आज चिप्स फ्राए करिवार मते हेल्प करी चंदी। हम सब ने आज बहुत एंजॉय किया है। सभी को मेरे बनाए हुए खाना पसंद आया सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब ने भी हमारे साथ इस पल को एंजॉय किए होंगे। इस खूबसूरत पल में मेरे साथ रहने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।